हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ कुसुम सिंह और फिरोजकारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आज मैं वीडियो तैयार डाल रही हूँ, और क्योंकि किसान मेला था मेरे यहाँ अपन नगर में, हमारा एक स्टॉल लगता है लेडीज़ क्लब का, उसमें बहुत बिजी थी। तो मेरी क्यारी तैयार हो चुकी है, देखिए। उसके बाद किसान मेले के बाद तुरंत फिर दीपावली की तैयारियाँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए आज सोचा एक वीडियो शेयर करती हूँ। वो खेत वेत में जो ट्रैक्टर चला है तो देख के बड़ा सुंदर लग रहा है कि खेत कितना सुंदर हो गया है। और फिर मेरे देखिए यहाँ इतना बुरा हाल है, घास हो रही है, मेरे सारे पौधे तैयार हो चुके हैं बट इनमें घास बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए मेरी तरह तरह की बोगनविलिया हैं, ये सब ये 16 तरह की हैं, 16 कलर हैं अभी, और 15 कलर उधर रखे हैं, तो टोटल मेरे पास कलर है 31। और ये देखिए घास की हालत देखिए, इतना ज़्यादा इसके अंदर वो हो चुका है, ये जंगली घास की देखिए। अगर एक एक निकालेंगे तो पौधा भी साथ आ सकते हैं, तो बहुत केयरफुली निकालनी पड़ेगी इनको। ये बोगनविलिया देखिए, वेरीगेटेड लीव्स इस तरह के मेरे पौधों में, यहाँ गुलदावरी लगाई थी, ये देखिए बर्ड्स आने शुरू हो गई हैं, फ्लावर आने को तैयार हैं। ये धूप में भी नहीं रख पाई मैं, ये धूप में रखूँगी तो तभी तो जल्दी फ्लावर आएंगे। तो आज ये सब काम निपटाऊँगी, पहले सोचा सबसे पहले एक वीडियो डालती हूँ। बड़ी बेचैनी हो रही थी, काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको दिखाती हूँ मैं, मैंने जो पहले आपको बताया था एवोकाडो का, ये देखिए इतना बड़ा पौधा तैयार हो गया है। अरे देखिए, मैं चल भागते दौड़ते ही एक सीड ये डाला था यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, अभी परसों ही की बात है कि एक दो दिन में ही क्रैक हो गया, देखिए कल तक आ जाएगा। और एक ये भी डाला था, देख रहे हैं ये भी क्रैक होने लग गया है, तो ये भी तैयार हो जाएगा, ये भी बाहर निकलेगा सीड। इस तरह के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बताइएगा कमेंट्स करके मेरी वीडियो, मेरी बातें और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।